जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे ट्रैफिक पुलिस, रामबन पुलिस, आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस और उसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बाकी तमाम जितनी भी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं उनकी अनथक कोशिशों के बाद हाईवे जो है रिस्टोर कर दिया गया है और इस समय जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर यातायात दोबारा से चलने लगा है। यात्रा जो सुबह जम्मू से आज निकली थी, यात्रा को क्रॉस कराया गया और यात्रा लगभग मुझे लगता है 3:30 और 4 बजे के करीब करीब जो है उसने नवयुग टनल क्रॉस किया और नवयुग टनल क्रॉस करने के बाद अब यात्रा जो है आगे की ओर प्रस्थान कर रही है और ये हम जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर है। और इस हाईवे को लेकर खास बात इस समय ये कि जो पंथियाल के पास और मार के पास जो शूटिंग स्टोन सुबह से आ रहे थे, इस समय जब हमने वहां क्रॉस किया तो शूटिंग स्टोन्स नहीं आ रहे थे। वहां स्टेबल है बिल्कुल रास्ता और रास्ता खुला हुआ है। आगे कुछ जगहों पर जहां जहां ऊपर से स्लाइड आने का खतरा था तो स्लाइड आज पूरा दिन से नहीं आई है और इस समय आप ये जो लाइव दृश्य देख रहे हैं ये जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से आप लाइव दृश्य देख रहे हैं और आप देख सकते हैं कि रास्ता जो है 2-3 जगहों को छोड़कर बाकी बिल्कुल रास्ता ऑल क्लियर है। दूसरी तरफ से चूंकि अभी रोड की कंस्ट्रक्शन चल ही रही है तो लेकिन ये वन साइडेड जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए इस समय रास्ता बिल्कुल खुला हुआ है और इसके लिए जाहिर सी बात है रामबन पुलिस जबरदस्त मेहनत कर रही है। SSP ट्रैफिक, नेशनल हाईवे शब्बीर मलिक जो हैं वो जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं ये इंश्योर करने के लिए कि रास्ता जो है यात्रा के लिए सुचारू रूप से चलता रहे और किसी किस्म की कोई दिक्कत ना आए। बादलों का जहां तक ताल्लुक है तो इस समय बादल जो है वो चिनैनी नाशी टनल वाली साइड बादल हैं, अभी भी बादल हैं, लेकिन जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर इस समय बादल नहीं है, बारिश नहीं हो रही है और जहां पर भी कहीं स्लाइड आया हुआ है, पत्थर ऊपर से आए हुए हैं, आप देख सकते हैं काम चल रहा है और स्लाइड को क्लियर किया जाता है, इमीडिएटली स्लाइड को क्लियर किया जाता है ताकि यात्रा जो है यात्रा रुके नहीं, यात्रा को किसी किस्म की दिक्कत या परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब चूंकि बहुत सारी जगहों पर स्लाइड आता है इसलिए आपको रस्ते में हर जगह आपको पुलिसकर्मी जो है वो खड़ा मिलेगा, जो पुलिसकर्मी आपको पूरी जानकारी देता है रास्ते को लेकर कि रास्ता ठीक है नहीं है, कहां स्टोन्स आ रहे हैं कहां नहीं आ रहे हैं, ये सारी जानकारी जो है वो देता है। तो इस समय हम आपको ये लाइव दृश्य जो है डिगडोल से दिखा रहे हैं, ये आप डिगडोल देख सकते हैं कि डिगडोल की स्थिति क्या है। ये डिगडोल की स्थिति है कि आप देख सकते हैं ये डिगडोल के पास का एरिया है, यहां पर भी बिल्कुल ऑल क्लियर है, किसी किस्म की कोई रुकावट या किसी किस्म की कोई दिक्कत जो है बिल्कुल यहां पर भी गाड़ियों को नहीं है। हालांकि रोड की कंस्ट्रक्शन का काम, रोड सड़क को बनाने का काम जो है वो यहां पर भी जारी है। दिक्कत आप जानते ही हैं रामबन और रामसू के पैच के बीच में रहती है, हम रामसू और रामबन के पैच के बीच में इस वक्त ट्रेवल कर रहे हैं और आपको ये लाइव दृश्य दिखा रहे हैं ताकि आपको पता चले कि इस वक्त ग्राउंड पर सूरत हाल क्या है, ग्राउंड पर इस वक्त जो है स्थिति क्या है। तो ग्राउंड की स्थिति इस समय आप देख सकते हैं बहुत सारी जगहों पर चूंकि रोड कंस्ट्रक्शन चल रही है, रोड कंस्ट्रक्शन का एक फायदा जो है वो भी ट्रैफिक पुलिस विभाग को, रामबन पुलिस को ये भी होता है कि इमीडिएटली जो है टीमें लग जाती हैं और फौरन जो है रोड को क्लियर कर दिया जाता है ताकि यात्रियों किसी किस्म की दिक्कत का सामना न करना पड़े। और जो ये रोका जाता है यात्रा को, जब हम पुलिसकर्मियों से पूछते हैं तो वो उन्होंने ये कहा कि हम यात्रा को इसलिए रोकते हैं ताकि अगर मान लीजिए रास्ता खोल भी दिया गया, जब तक स्लोप स्टेबलाइज नहीं करते, जब तक हमें पूरा यकीन नहीं होता कि पत्थर नहीं आएगा और किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होगी, तब तक हम यात्रा जो है दोबारा शुरू नहीं करते, यात्रा दोबारा यात्रा को जम्मू से नहीं छोड़ते। लेकिन जब हम बिल्कुल ये देखिए कितना बुरे तरीके से, आप देख सकते हैं JCB तक जो है वो इसके इस मलबे के नीचे जो है आ गई हैं, वो आपको तस्वीरें जो है इस वक्त ठीक डिगडोल के एरिया की आप ये देख सकते हैं, ये सारा स्लाइड वाला एरिया है और ये स्लाइड वाला एरिया इसलिए है क्योंकि यहां पर अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है और यहां रास्ता जो है वो तैयार किया जा रहा है। ये आप ऊपर से देख सकते हैं जो ही बारिश होती है तो ये एरिया जो है ये सारे का सारा मलबा नीचे आता है, सड़क को बंद कर देता है फिर इमीडिएटली। और यहां पर भी कॉशन कंस्ट्रक्शन जोन गो स्लो, ये हर जगह आपको इस तरह के बोर्ड मिलेंगे जिससे आपको जानकारी रहती है कि हमें इस रूट के ऊपर चलना कैसे है। वैसे भी जैसे मैंने आपको बोला कि इस रूट के ऊपर गाड़ी यूजुअली जो है आप 60 की स्पीड के ऊपर चला सकते हैं, उसके ऊपर आप अगर जाएंगे भी तो मौत को दावत देने जैसा है। तो क्योंकि रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, जब तक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस रास्ते को मुकम्मल नहीं करती तब तक इस रास्ते, तो आप ये देख सकते हैं ये नेशनल हाईवे के दृश्य आप तक पहुंच रहे हैं। आप अपनी जर्नी प्लान करने से पहले ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी जो उनके ट्रैफिक पुलिस के
ट्विटर हैंडल के ऊपर जो एडवाइजरी आती है उस एडवाइजरी को फॉलो करें, उस एडवाइजरी का संज्ञान लिया करें, उस एडवाइजरी को पढ़ा करें, उस एडवाइजरी के एंड मुताबिक ही अपना सफर जो है वो प्लान करें। और अगर कोई मजबूरी है, जैसे मैंने आपको कहा कि आप मजबूरी में अगर आपको जम्मू पहुंचना है, कहीं पहुंचना है, तो तब भी आपको रास्ते पर निकलने से पहले मालूम करना चाहिए पूरे रास्ते के बारे में कि मौसम कैसा है, बारिश तो नहीं हो रही, रास्ता कहां कहां खराब है, रास्ता बंद तो नहीं है कहीं पर, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सारी जगहों पर कंस्ट्रक्शन चल रही है और कंस्ट्रक्शन भी एक कारण है कि बहुत सारी जगहों पर स्लाइड आ जाता है, बहुत सारी जगहों पर ऊपर से मिट्टी आ जाती है, मलबा आ जाता है और ये रास्ता पूरे का पूरा बंद हो जाता है। लेकिन एक बात तो है कि जब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस रास्ते को मुकम्मल करेगी तो ये देश का एक बहुत खूबसूरत रास्ता होगा, जिस रास्ते पर ट्रेवल करना आप अपने लिए बाई से फख्र महसूस करते होंगे कि हम इतने खूबसूरत रास्ते को ट्रेवल करते हैं, क्योंकि बड़ी खूबसूरती जो है दोनों तरफ यहाँ पर है और वो आप दृश्य भी इस समय जो है नेशनल हाईवे के ऊपर देख ही रहे होंगे। तो जैसे आप ये देखिए, ये भी स्लाइड है जो ऊपर से आई है और ये नाला है, जब बारिश ऊपर पड़ती है बहुत तेज तो उसके नतीजे में यहाँ स्लाइड आता है और ये आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पेड़ जो है वो नीचे यहाँ पर गिर गए हैं, वो पेड़ भी नीचे आ गए हैं। तो दूसरा ये मैं आपको थोड़ा सा अपडेट कर दूं कि बादल जो है वो इस वक्त इस जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे में रामबन और रामसू के पोर्शन के बीच में बादल अभी आ गए, हालांकि घने काले बादल हैं लेकिन बारिश का अभी तक कोई इम्कान कहीं पर नहीं है। तो कुछ जगहों पर नेशनल हाईवे के ऊपर हम इस समय चल रहे हैं और अगर कहीं पर आगे नेशनल हाईवे ब्लॉक होगी, बंद होगी, तो जरूर आपको वो भी अपडेट करेंगे। लेकिन फिलहाल अपडेट यही है कि नेशनल हाईवे जो है वो सुचारू रूप से इस समय चल रही है।